आज हम लोग जो 12 का गणित है उसमें हम लोग 1.3 नंबर जो एनसीईआरटी में एक्सरसाइज है उसको बनाने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग जो थ्योरी है उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। और उम्मीद है कि 1.1 और 1.2 नंबर जो एक्सरसाइज है तुम्हारा एनसीईआरटी का और उसको तुमने लोगों ने बना लिया होगा। और जिस स्टूडेंट को दिक्कत हो रही है बनाने में वो हमसे राइस ट्यूटोरियल ऐप के माध्यम से संपर्क कर सकता है। राइस ट्यूटोरियल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके हमसे संपर्क कर सकते हो, जिसमें कि तुम्हें जिस भी प्रश्न को बनाने में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जिसमें भी किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत हो रही, किसी क्वेश्चन को बनाने में या किसी टॉपिक को समझने में, किसी कंसेप्ट में दिक्कत हो, इंजीनियरिंग या मेडिकल की तैयारी करनी हो, इन सबों के लिए उस ऐप पर एक कंप्लीट ऐप है जिसमें कि तुम मदद ले सकते हो। जिसमें प्रैक्टिस के क्वेश्चन मिल जाएंगे, जे एडवांस, नीट या जे मेंस, इन सबों के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। और जो बोर्ड के लिए है, जो प्रिपरेशन के लिए जो वो नोट्स हैं हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएंगे। इसके साथ हम लोग आज जो है गणित में जो 1.3 का जो पहला टॉपिक है जो कि गणित में तुम्हारा, उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जो पहला है तुमको फलनों का संयोजन, फलनों का संयोजन कंपोजिट फंक्शन भी कर सकते हो या कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। दो फलन को एक साथ कंबाइन करके एक फलन बनाएंगे दो फलन के संयोग से, तो वह क्या हो जाएगा? फलनों का संयोजन कहलाएगा। दो फलन या तीन फलन के भी संयोग से आप बना सकते हैं एक फलन, तो उसको हम लोग कहेंगे। और किस तरह संयोग करेंगे उसको देखते हैं। जैसे पहला एक फलन है एफ, जिसका कि प्रांत है, डोमेन ए है और उसका सहप्रांत बी है, एफ ए इंटू बी। एवं एक फलन जी है जिसका जो तुमको प्रांत है बी, इससे तुमको यह सहप्रांत हो गया सी। तो एक फलन हम लोग इन दोनों के संयोग से एक फलन हम लोग बनाएंगे जिसको हम लोग कहेंगे जी ओ एफ, परिभाषित करेंगे ए इंटू सी में। तो यह जो तुमको फलन होगा, यह ए का जो कि यह तुमको जी ओ एफ जी एवं एफ का जी एवं एफ के जी एवं एफ फलन के संयोग से बनता है, संयोग से बनता है। तो जी ओ एफ जैसे है तुमको, जी ओ एफ को हम लोग लिख सकते हैं जी ओ एफ एक्स, अगर लिखते हैं इक्वल्स टू होता है तुमको जी एफ एक्स, ऐसा कहते हैं हम लोग जी फिर एफ एक्स, जहां एक्स अवयव होगा ए के जो एफ का जो सहप्रांत जो प्रांत है उसका अवयव होगा, या कंपोजिट फंक्शन। जी ओ एफ क्या कहलाएगा? कंपोजिट फंक्शन, संयुक्त फलन, कंपोजिट फंक्शन अंग्रेजी में कहेंगे इसको, कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन। ये हो गया तुम्हारा। अब है एफ, तुम्हारा होगा एफ फलन क्या होगा? जैसे एक उदाहरण देते हैं, तीर आर एक्स इसको दिखाते हैं, उदाहरण उदाहरण तुम्हारा एफ है, तुमको ए बराबर लिख लेते हैं हम लोग 1 2 3 है, ए इज इक्वल टू 1 2 3। चलो बी इक्वल्स टू ले लेते हैं समुच्चय ए बी सी, और सी इक्वल्स टू ले लेते हैं एप्पल बॉल और कैट। ये हो गया तुम्हारा। अब देखते हैं इसमें क्या करेंगे। ए में तुमको ए से बी दिखाते हैं, जैसे देखो एक फलन बनाते हैं यहां पर ए, समुच्चय लेते हैं इधर ए, यहां पर लेते हैं बी, और ए में है तुमको कौन सा अवयव? 1 2 और ये हो गया 3। 1 को मिला देंगे ए से,
वन को मिला देंगे हम लोग ए से, टू को मिला देंगे फिर किससे, बी से, टू को मिलाएंगे हम लोग बी से, और थ्री को मिला देंगे सी से, तो ये सी से मिला देंगे। तो ये जो फलन होगा इसको हम लोग कहेंगे एफ, और ए बी, और यहां पर हो गया सी, ये तुमको सी हो गया एप्पल, इसको कहेंगे लोग एप्पल, बॉल, और क्या है इसमें कैट। एक को मिलाना है एप्पल से, ए को मिलाइए एप्पल से, बी को मिला देंगे बॉल से, और सी को मिला दिया मान लेते हैं कि कैट से। ये एक फलन डिफाइन हो गया, और तुमको इसमें जो है तुमको अब जी ओ एफ जो ये जो फलन हो गया, ये एफ फलन है, और ये कौन सा फलन हो गया, ये जी फलन हो गया, ये फलन का नाम हो गया तुम्हें जी है ये फलन, और जी में तुम्हारा जी में देखो ये इसने कोई फलन डिफाइन किए। अब जी ओ एफ जो इसे परिभाषित करेंगे, देखो जी ओ एफ को एरो डायग्राम से जब लिखेंगे तो इसमें सीधा हो जाएगा कि जो एफ का आंसर होता है, एफ का जो वन टू थ्री, और सीधे ये कंबाइन करेगा वन को एप्पल से, वन को कहां से करेगा ये, वन को एप्पल से, टू को कर देगा ये बॉल से, और इसको कर देगा ये कैट से। तो ये तुम्हारा जो है ये फलन हो गया जी ओ एफ हो गया। तो ये जो तुम्हारा है ये समुच्च सी है, और ये समुच्च है ए है, ये तुम्हारा फलन हो गया जी ओ एफ ए इंटू सी। जैसे कि इस फलन को हम लोग लिखेंगे अगर इस ढंग से देखो, अब इसको जैसे कि तीर आरेख से लिखे हम लोग इसको, जैसे कि बना के देखते हैं, जैसे देखो जी ओ एफ जब भी F लेंगे ये डोमेन लेंगे किस साथ, A समुच्चय से लेंगे, जी ओ एफ वन का मान लेते हैं, देखो क्या होगा, तो जी एफ वन होगा, F वन का आंसर देखिए, F वन फंक्शन F का वन में देखिए, वन में क्या आंसर है, वन का आंसर होता है A, तो यहां पर F वन का वैल्यू दीजिए, तो ये क्या हो गया तुम्हें जी ए हो गया, दैट्स इक्वल टू क्या हो गया जी ए हो गया। अब जी ए का आंसर यहां पे ढूंढ लेंगे हम लोग, जी ए मतलब कि ये तुम्हारा एफ का आंसर यहां बताया वन का ए, और जी में देखते हैं यहां पे जी फंक्शन है ये, तो जी का देखते हैं ए से एप्पल है, तो इसका आंसर क्या हो गया तुम्हें, इसका आंसर हो गया जी वन जी ए का मान एप्पल हो गया। तो यहां भी देखते हैं ये जो जी ओ एफ है इसका आंसर क्या हो, वन का देखिए एप्पल है यहां पर, तो यही चीज इसी प्रकार क्या है तुम्हारा, इसी प्रकार जी ओ एफ टू बराबर क्या हो जाएगा, बॉल हो जाएगा, और जी ओ एफ थ्री बराबर कैट हो जाएगा, जी ओ एफ थ्री बराबर कैट हो जाएगा। तो ये तुम्हारा हो गया जी ओ एफ को, जैसे अब इसको रोस्टर रूप में अगर लिखना चाहेंगे, रोस्टर रूप में जैसे एफ को लिखते हैं, तो एफ फलन क्या लिखाएगा तुमको, एफ फलन होगा रोस्टर रूप में, F को लिखेंगे हम लोग 1 कॉमा ए, 2 कॉमा बी, और 3 कॉमा सी, ये F हो गया। G बराबर हो गया A कॉमा एप्पल, B कॉमा बॉल, और C कॉमा कैट, ये तुम्हारा हो गया, ये G हो गया। अब तुम्हारा है जी ओ एफ को क्या लिखेंगे, वन से सीधा एप्पल हो जाता है, तो जी ओ एफ को जब रोस्टर रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा वन कॉमा एप्पल, टू कॉमा बॉल, थ्री कॉमा कैट, ये हो गया तुम्हारा, ये जी ओ एफ फलन हो गया तुम्हारा, ये रोस्टर रूप में हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, ये हो गया तीर आरेख के रूप में। तो ये तुम्हारा उदाहरण समझ में आ गया होगा कंपोजिट फंक्शन कैसे लिखते हैं। अब जैसे कि तुमको एक क्वेश्चन देते हैं, जैसे इस तरह से एक क्वेश्चन है मान लेते हैं, एफ है आर से आर, और जी भी है तुमको आर से आर डिफाइन है, एफ एक्स बराबर है तुमको एक्स स्क्वायर एवं जी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, जी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। तो तुम्हें परिभाषित करना है जी ओ एफ एवं एफ ओ जी निकालें, चलिए दोनों निकाल दिए, जी ओ एफ एवं एफ ओ जी
ज्ञात करें, जीओ एवं एफ ओ जी ज्ञात करें। सॉल्यूशन, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, अब तुमको दिया हुआ एफ एक्स का मान है एक्स स्क्वायर, जी एक्स का मान है साइन एक्स। चलिए देखते हैं यहां पर, तो जी ओ एफ निकालते हैं, पहले जी ओ एफ एक्स निकालते हैं। चलिए तो ये क्या हो जाएगा, जबकि ओ हटा करके ब्रैकेट लगाइए एक एक्स्ट्रा। चलिए जी ओ एफ हो गया, एफ एक्स का तो मान हमको पता है, एफ एक्स का मान देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर है क्वेश्चन दिया हुआ, और जी एक्स स्क्वायर, जी एक्स का मान है हमारा साइन एक्स, तो जी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, जी में तुमको एक्स की जगह एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो दैट्स इक्वल टू क्या हो गया, साइन एक्स स्क्वायर हो गया। ये आंसर हो गया इसका। अब तुमको जी ओ एफ हो गया, अब एफ ओ जी निकालना है, एफ ओ जी एक्स बराबर एफ जी एक्स, जी एक्स का मान है साइन एक्स, तो ये इसका स्क्वायर, दैट्स इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स हो गया ये। तो ये तुम्हारा हो गया जी ओ एफ। तो तुम्हारा इस ढंग से क्या हो गया, ये कंपोजिट फंक्शन तुम्हें डिफाइन हो गया दोनों, जैसे किस ढंग से निकाल सकते हो इस तरह के प्रश्न को, एक तुमको इस ढंग से अगर दिया डायरेक्ट आप निकाल सकते, ऐसा भी तुमको देखोगे दिया हुआ किताब में तुम्हारा क्वेश्चन एनसीईआरटी में, उसको भी बना सकते हो इस ढंग से, रजिस्टर रूप में लिख करके लिखा हुआ है, तो जी ओ एफ निकाल सकते हो तुम अपने से, जी ओ एफ वन का, फिर एम पहले जाहिर है कि इसमें जो डोमेन होता है जी ओ एफ में डोमेन हो गया तुम्हें कब से, पहले ए हो गया तुम्हारा इसमें, और अगर एफ ओ जी करेंगे तो एफ ओ जी में तुम्हारा जो एलिमेंट लेते हैं जी का पहले लेते हैं, उस जी का डोमेन से डिफाइन होगा। तो ये तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारा फलन का संयोग करने का। अब हम लोग इसमें देखेंगे उदाहरण तुम्हारा जैसे है कि अब व्युत्क्रम फलन निकालने का देखेंगे कि व्युत्क्रम फलन कैसे निकालते हैं हम लोग, फलन का संयोजन सीखा, अब व्युत्क्रम फलन निकालते हैं। व्युत्क्रम फलन इनवर्स फंक्शन, जब कोई फलन इस प्रकार होता है कि जो एकैकी और आच्छादक हो, मतलब वन वन एंड ऑन टू, जिसको बाइजेक्टिव मैपिंग कहते हैं, तो उस में फलन का एफ इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है। तो अब व्युत्क्रमणीय फलन कौन सा होगा, जो फलन की, जिस फलन का कि क्या होगा, जो फलन की एकैकी और आच्छादक होता है अर्थात बाइजेक्टिव मैपिंग होगा, बाइजेक्टिव फंक्शन होगा, उसी का क्या निकल सकता है, व्युत्क्रम ज्ञात किया जा सकता है। तो व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए फलन को क्या होना चाहिए, एकैकी एवं आच्छादक होना चाहिए। व्युत्क्रम फलन इनवर्स फंक्शन, व्युत्क्रम फलन इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन फलन एफ जब एकैकी एवं आच्छादक हो, जब एकैकी एवं आच्छादक हो, एकैकी एवं आच्छादक हो, तो उस फलन का व्युत्क्रम फलन एफ इनवर्स का संकेत होता है, एफ इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है, अर्थात वह व्युत्क्रमणीय फलन है। जैसे कि अगर इसको एक उदाहरण से देखना चाहें, एफ अगर तुमको ए से बी में परिभाषित है तो एफ इनवर्स जस्ट पलट जाएगा, मतलब इसका अवयव जो है तुमको इसका प्रांत जो है, तो एफ इनवर्स जो होगा वो परिभाषित होगा बी से ए होगा एकदम, और चूंकि एकैकी आच्छादक होगा तो इसका जस्ट उलट जाएगा। जैसे एक मान लेते हैं कि ए है तुम्हारा वन
टू और थ्री है अगर, और बी यहाँ ले लो, इसको जो है एक कैकी और आच्छादक होना चाहिए, तो जाहिर है कि तीन फिर अभी अब आपको देना पड़ेगा और सबको अलग अलग ही मिलाना पड़ेगा, वन को ए से, टू को बी से और थ्री को मान लेते हैं सी से, अलग अलग मिला सकते हैं, वन को आप सी से भी मिला सकते हैं, लेकिन ये तुमको मिलाना पड़ेगा क्या चीज से, बिल्कुल बिल्कुल एक एकी होना चाहिए और आच्छादक भी, मतलब ना ही तो एक दो का कभी एक नहीं मिलना चाहिए, और नहीं तो जब हम उल्टा करेंगे, जब बी को इधर लाएंगे तो फिर इसको जस्ट अगर इसका इन्वर्स परिभाषित होना है तो ठीक इसको उल्टा डिफाइन करेंगे, तो ये एफ फलन हुआ जैसे, अब देखो एफ इन्वर्स जैसे होगा तो ये बी आ जाएगा इस साइड तुम्हारा आ जाएगा एफ इन्वर्स में, तो ए बी और सी, यहां वन यहां टू और यहां थ्री, तो अब देखो इसमें क्या होगा, ए को किससे मिलाएंगे ये वन से, बी को मिला देंगे टू से और सी को मिला देंगे थ्री से, ये हो गया एफ इनवर्स, ये बी हो गया और ये ए हो गया तुम्हें, तो ये तुम्हारा क्या हो गया बी ए, मतलब तुम्हारा ये जस्ट देखो इसका रिवर्स हो गया, तो इसको कहते हैं लोग इनवर्स फलन हो गया, और इस बात का एक बात तो स्पष्ट देख सकते हो, एफ इनवर्स ओ एफ जो तुम्हारा एलिमेंट होगा, जो एफ इनवर्स ओ एफ, जाहिर है कि एफ जब लेंगे हम लोग तो ए फलन का डोमेन लेंगे, ए का डोमेन लेंगे, एफ वन कितना आ जाएगा, एफ इनवर्स ओ एफ वन अगर निकालना है, सपोज निकालिए इसका, तो एफ इनवर्स क्या लिखेंगे एफ वन, तो एफ वन को क्या लिखेंगे एफ इनवर्स एफ वन को ए लिखेंगे, और एफ इनवर्स में ए का मान देखते हैं कितना है, दैट इज वन है, तो एक चीज आप देखें कि एफ इनवर्स ओ एफ का मान वन आ गया, एफ वन है तो वन है, इसी प्रकार F इनवर्स ओ एफ टू जब आएगा तो ये टू आएगा, F इनवर्स ओ एफ थ्री होगा तो ये थ्री होगा, अब इसी पे ये देखो तुम्हारा इसका मतलब हुआ F इनवर्स ओ एफ इज इक्वल टू, हम लोग लिखते हैं ये तुमको तत्समक फलन है, बराबर तत्समक फलन, जहां पर कि ये ए समुच्चय से आएगा, ये जब एफ एक्स और एक्स हो जाए तो एक को क्या कहते हैं तत्समक फलन, आइडेंटिटी फलन, तत्समक फलन है ये, जब एफ एक्स और एक्स हो गया तो जो है वही बराबर आ जाता है, तो मतलब एफ एक्स इक्वल टू एक्स हो गया, इसी प्रकार हम लोग देखते हैं दूसरा एफ ओ एफ इनवर्स निकालते हैं, आप एफ ओ एफ इनवर्स जैसे ए का निकालिए, अब देखो डोमेन ये बी का आने लगा, ये बी से लेंगे तो इसका वैल्यू कितना आता है एफ एफ इनवर्स ए आएगा, एफ इनवर्स ए का मान यहां से देखिए इनवर्स का मान क्या परिभाषित हुआ है उल्टा, एफ इनवर्स वन का मान है तुमको ए है, एफ इनवर्स ए का मान क्या है वन है, तो दैट इज इक्वल टू एफ वन हो गया, दैट्स इक्वल टू ए, तो इसका मतलब कि जो ए से स्टार्ट किए तो ए लिए तो ये लिए, तो इसी प्रकार क्या हो जाएगा तुम्हारा, इसी प्रकार एफ ओ एफ इनवर्स बी बराबर बी, एफ ओ एफ इनवर्स सी बराबर सी, तो एफ ओ एफ इनवर्स इज इक्वल टू आई बी, ये तत्समक फलन इसमें कौन किस डोमेन का लेते हैं बी से लेते हैं, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जबकि F इनवर्स O इसका जो हम लोग इनवर्स व्युत्कर्ण फलन लेंगे तो दोनों को जब हम लोग उसके साथ दोनों को कंपोजिट करेंगे उस फलन और उसके इनवर्स का व्युत्कर्म का जब हम लोग संयोग करेंगे तो उससे जो बना हुआ फलन होगा वह हमेशा तत्समक फलन होगा, तो इसी पर इसका मतलब यदि F एवं G एक दूसरे का व्युत्क्रम फलन है, व्युत्क्रम फलन है तो जी ओ एफ बराबर आई एक्स, जहां पर कि क्या होगा, जहां पर कि एफ तुमको कहां से कहां तक परिभाषित है, एफ तुमको जो एक्स बिलोंग्स टू हो गया ए का, मतलब कि एफ का प्रांत इसका डोमेन है, एफ का डोमेन होगा,
और दूसरा है तुमको इसी में, और एफ ओ जी बराबर हो गया आई वाई, जहां पर जहां मतलब हो गया तुम्हें आई वाई, जहां वाई बिलोंग्स टू, वाई किस में हो जाएगा तुमको, जी का प्रांत, ये हो गया जी का प्रांत होना चाहिए। और तभी जो है तुमको ये दोनों क्या क्या होगा, व्युत्क्रम फलन होगा आपस में। ये व्युत्क्रम फलन होने के लिए ये आवश्यक शर्त हो गया एक तरह से, कि दोनों जो है व्युत्क्रम फलन है तो वो तुमको इसका पालन करेगा। और जाहिर है कि अगर व्युत्क्रम का परिभाषा अगर व्युत्क्रम है तो एफ इनवर्स भी होता है। तो यदि तुमको कह सकते हैं, यदि एफ एकैकी एवं आच्छादक हो, एफ एकैकी एवं आच्छादक फलन है तो क्या हो जाएगा, तो वाई बराबर क्या हो गया एफ एक्स, वाई बराबर एफ एक्स, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाई दैट एक्स इज इक्वल टू, ये जो एफ इधर जाके है एफ इनवर्स बन जाएगा इधर, तो इसको ये इधर से आगे क्या बन जाता है, एफ इनवर्स वाई इक्वल्स टू एक्स, ये एफ इधर से जाके इनवर्स बन जाता है, एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स, या एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया एफ इनवर्स वाई, एफ इनवर्स हो जाता है तुमको। ये तुमको इस प्रकार से क्या कहते हैं, इस प्रकार से इनवर्स फलन हम लोग ज्ञात कर सकते हैं एक्स, यह तुमको क्या हो गया इनवर्स फलन हो गया, यह तुमको एक्स का ये क्या हो गया तुम्हारा एक्स बराबर एफ इनवर्स वाई, तो एफ इनवर्स वाई क्या हो गया एफ का व्युत्क्रम फलन हो गया। तो ये तुम्हारा हो गया, ये व्युत्क्रम फलन निकालने का तरीका हो गया, कि अगर तुमको एक्स बराबर एफ वाई है तो वाई बराबर एफ एक्स कर दीजिए तो वो व्युत्क्रम फलन परिभाषित हो जाएगा। तो इस पे तुमको व्युत्क्रम फलन का मतलब समझ में आ गया, व्युत्क्रम फलन का यहाँ परिभाषा भी लिख दिए और व्युत्क्रम फलन का निकालने का ये तरीका हो गया। जैसे इसका एक आध उदाहरण से इसको और स्पष्ट करते हैं, तो इसको बोर्ड को साफ करते हैं पहले, तो देखते हैं इसका व्युत्क्रम फलन कैसे ज्ञात करते हैं, व्युत्क्रम फलन ज्ञात करते हैं। व्युत्क्रम फलन ज्ञात करने का तरीका होगा, चलिए लिखते हैं, एफ एक्स बराबर थ्री एक्स प्लस फाइव, जहां पर कि f तुमको है r से r है, f का व्युत्क्रम फलन ज्ञात करें। अब f जहां तक व्युत्क्रमणीय होगा तभी व्युत्क्रम निकालना है, व्युत्क्रमणीय है इसमें, क्योंकि हर अगर कोई भी अगर रियल नंबर रखेंगे x का मान तो वो उसके लिए सबके लिए अलग अलग ही इमेज आएगा, एफेक्स वन बराबर एफेक्स टू करके चेक कर सकते हैं इसको, थ्री एक्स वन प्लस फाइव इजल टू थ्री एक्स टू प्लस फाइव, एक्स वन इजल टू एक्स टू, जैसा कि 1.2 बनाया होगा। उसके बाद हर जो कि अगर y का मान हम लोग रखेंगे तो इसको बनाते हैं, जैसे सॉल्यूशन f एकैकी एवं आच्छादक है, एकैकी एवं आच्छादक है, अतः f व्युत्क्रमणीय है, अतः f व्युत्क्रमणीय है। माना y बराबर एफ एक्स, तो y बराबर क्या होगा थ्री एक्स प्लस फाइव। अब हम लोग जो यहां पर देखे, यहां पर x निकालना है हमको और एक तरफ y को ले जाना है बाकी को, तो हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं, इसको x के बचाने का कोशिश करेंगे, इधर y माइनस फाइव इक्वल टू क्या हो गया थ्री एक्स, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया y माइनस फाइव बाय थ्री, तो f x बराबर क्या हो गया f इनवर्स y हो जाता है, y बराबर fx हो तो x इज इक्वल टू f इनवर्स y,
तो ये तुम्हारा हो गया एक्स इक्वल टू क्या हो गया एफ इनवर्स वाई इक्वल्स टू वाई माइनस फाइव बाय थ्री। तो ये तुम्हारा हो गया एफ इनवर्स का मान हो गया वाई माइनस फाइव बाय थ्री। अब है तुमको एफ ओ एफ इनवर्स का मान हो गया। अब यहां पर मान अगर रखना चाहेंगे जैसे कि अब तुमको एफ इनवर्स एक्स कहें एफ का इनवर्स एफ इनवर्स एक्स अगर कहें तो यहां पर क्या कर दीजिए आप एक्स माइनस फाइव बाय थ्री ऐसा लिख सकते हैं आप। और एफ ओ एफ इनवर्स निकाल के आप देखो ये इनवर्स है कि नहीं, अगर चेक करना कोई चाहे तो बिल्कुल चेक कर सकता है। चेक यहां करते हैं देखो ये सही है या नहीं, चेक चेक करते हैं एफ इनवर्स ओ एफ एक्स बराबर हो जाएगा एफ इनवर्स एफ एक्स। तो दैट्स इक्वल टू एफ इनवर्स क्या हो गया एफ एक्स का मान है थ्री एक्स प्लस फाइव। अब देखते हैं एफ इनवर्स का मान क्या है एक्स माइनस फाइव बाय थ्री है तो एक्स की जगह पर कितना रख देंगे हम लोग इसको पूरा रख देंगे एक्स की जगह जिसका इनवर्स निकालना है दैट इज इक्वल टू एक्स की जगह थ्री एक्स प्लस फाइव और माइनस क्या कर देंगे फाइव बाय थ्री। तो ये क्या होगा कट के तुम्हारा एक्स आ गया। तो देखो तुम्हारा आ गया इसका प्रूव्ड हो गया। इसी प्रकार हम लोग चाहेंगे तो हम लोग निकाल सकते हैं चेक करके ये भी देख सकते हैं और क्या चीज देख सकते हैं हम लोग एफ ओ एफ इनवर्स एफ ओ एफ इनवर्स वाई बराबर क्या आ जाएगा तुमको वाई आ जाएगा। तो ये तुम्हारा इस प्रकार इसका मतलब क्या होगा ये फलन मतलब क्या है इसका मतलब इसका व्युत्क्रम है इसका मतलब एफ इनवर्स इसका व्युत्क्रम हो गया ये। तो ये तुम्हारा साबित भी हो गया ये चेक भी कर दिए ये तुम्हारा क्या हो गया व्युत्क्रम फलन हो गया। तो व्युत्क्रम फलन निकालने के लिए क्या करना है इस बात को अवे करेंगे ये जो तुम्हारा लिखा हुआ स्टेप कि एक्स एक तरफ कर ला है और फिर इनवर्स वाई का मान हो जाएगा उसी को अवे किए तो इसका इनवर्स फलन परिभाषित हो गया। अब हम लोग निकालते हैं इसके बाद इनवर्स फलन तुम्हारा इसका निकल गया। जैसे एक आध क्वेश्चन और देते हैं तो एफ एक्स बराबर अगर है तुमको थ्री माइनस एक्स क्यूब पर पावर वन बाय थ्री और तो इसका कहता है व्युत्क्रम फलन निकालने के लिए एफ का प्रांत एवं परिसर इस प्रकार है कि एफ एकैकी आच्छादक है एकैकी आच्छादक है तो एफ का व्युत्क्रम ज्ञात करें एफ का व्युत्क्रम फलन ज्ञात करें। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं कैसे तरीका ही बनाए थे उसी से आगे बढ़ेंगे। देखो सॉल्यूशन माना वाई बराबर एफ एक्स तो वाई बराबर क्या हो जाएगा थ्री माइनस एक्स क्यूब पर पावर वन बाय थ्री। तो जाहिर है कि हमको इधर एक्स निकालना है तो ये तुमको जैसे कि वन बाई थ्री इधर क्यूब करेंगे पहले तो एक्स को फ्री करना है तो जाहिर है कि इसको वन बाई थ्री हटाना होगा तो दोनों साइड क्यूब कर दो तो वाई क्यूब बराबर क्या होगा थ्री माइनस एक्स क्यूब पर पावर क्या होगा वन बाई थ्री का क्यूब हो गया ये तो पावर पर पावर क्या हो जाएगा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वाई क्यूब बराबर थ्री माइनस एक्स क्यूब इस पर पावर मल्टीप्लाई हो गया तो थ्री माइनस एक्स क्यूब तो वो एक्स क्यूब बराबर हो गया
थ्री माइनस वाई क्यूब, तो एक्स बराबर थ्री माइनस वाई क्यूब पर पावर वन बाय थ्री। तो या एक्स बराबर क्या हो गया, एफ इनवर्स वाई हो गया, ये एक्स बराबर एफ इनवर्स वाई। तो एक चीज गौर करके देखो, तो एफ इनवर्स एक्स का जो मान हो गया, एफ इनवर्स वाई बराबर क्या हो गया, थ्री माइनस वाई क्यूब पर वन बाय थ्री। तो एफ इनवर्स एक्स बराबर हो गया थ्री माइनस एक्स क्यूब पर पावर वन बाय थ्री। सेम ये एफ अपने आप का व्युत्क्रम हो गया, एफ खुद का व्युत्क्रम है, एफ स्वयं का व्युत्क्रम फलन है, स्वयं का व्युत्क्रम फलन है। चूंकि एफ ओ एफ एक्स बराबर एक्स है, तत्समक फलन आया है, एफ ओ एफ खुद आ जाएगा, इसको भी प्रूव करके देखोगे, एफ ओ एफ एक्स बराबर एक्स आ जाएगा। तो ये व्युत्क्रम स्वयं हो गया, इसका मान भी निकाल सकते हो, निकाल के देखोगे एफ ओ एफ एक्स का मान क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया तुम लोग, ये खुद का क्या हो गया, व्युत्क्रम फलन हो गया। एक बात जो ध्यान देने वाली बात है, एफ और जी व्युत्क्रम अगर एकैकी है और या आच्छादक है, तो जी ओ एफ या एफ ओ जी हमेशा एकैकी या आच्छादक होगा, लेकिन उसका व्युत्क्रम सही नहीं होता है। जैसा कि तुम उदाहरण में क्वेश्चन देखोगे, एक उदाहरण दोनों का एक एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसका उल्टा सही नहीं होता। एफ और जी अगर एकैकी आच्छादक है, तो जी ओ एफ और एफ ओ जी क्या होगा, एकैकी और आच्छादक ही होगा। लेकिन जी ओ एफ और या एफ ओ जी अगर एकैकी या आच्छादक हो, तो यह आवश्यक नहीं है कि वह एकैकी आच्छादक हो, एफ और जी एकैकी और आच्छादक हो, यह जरूरी नहीं है। इस लेक्चर के बाद तुम लोग चाहो तो इसका जो तुमको है, ये जो प्रमेय है, इसमें दो प्रमेय दिया हुआ है, उसको पहले प्रूव कर लेते हैं। प्रमेय एक दिया हुआ है तुमको, वन एच ओ जी ओ एफ इज इक्वल टू एच ओ जी ओ एफ, इसको प्रूव करते हैं, इसको प्रूव करना है प्रमाण। हाँ, इसको प्रमाण करते हैं, एच ओ जी ओ एफ एक्स, ये एल एच एस हो गया तुम्हारे, ये किससे आगे बढ़ रहे हैं, एल एच एस से। दैट्स इक्वल्स टू क्या हो गया, एच ओ जी एफ एक्स, एच ओ, अच्छा इसको अभी रहने दो, एच ओ जी और यहाँ पर क्या हो गया एफ एक्स, इसको हटा देंगे तो ऐसा तुम्हारा हो गया एच ओ जी। अब तुमको एच ओ है तुम्हारा, एच ओ है, उसके बाद ये तुम्हारा है, तो इसका मतलब ये तुम्हारा हो गया एच ओ जी एफ एक्स, तो जी फलन के साथ है, और जब इसको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा एच, इसका मतलब इसके साथ हो गया जी एफ एक्स, ये ब्रैकेट बंद और ये भी ब्रैकेट बंद हो गया, ऐसा हो गया तुम्हें। अब देखते हैं आर एच एस से आगे बढ़ते हैं, उसका क्या होता है, एच ओ जी ओ एफ और इसको एक्स दीजिए, दैट्स इक्वल्स टू क्या होता है, एच ओ जी और तुम्हारा क्या हो गया यहां पर एफ एक्स, ऐसा। अब जो है तुमको एच ओ जी यहां एफ एक्स है, जैसे एक्स होता है, तो यहां से एक ब्रैकेट लग जाएगा, तुमको जी एफ एक्स एक साथ आ जाएगा, तो एच यहां पर जी हो गया और ये एफ और ये एक्स हो गया। तो यहां पर क्लियरली देखा जाए कि एल एच एस बराबर क्या आ गया तुम्हें, आर एच एस आ गया, क्लियरली एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। इसका मतलब हो गया तुमको, इसका मतलब हो गया एच ओ जी ओ एफ अगर इधर ब्रैकेट रखें या ब्रैकेट को इस साइड कर दें, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये प्रूव हो गया तुम्हारा, ये तुम्हारा दोनों साइड से दोनों प्रूव करके देखो। एक दूसरा प्रमेय है इसमें, प्रमेय टू है कि जी ओ एफ का जो इनवर्स होगा, यह होगा एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स होगा, इसको प्रूव कीजिए, ये तुम्हारा प्रमेय टू, इसको प्रमाणित करें। तो अगर ये इसका इनवर्स होगा, तो दोनों को एक साथ अगर करेंगे, कोई फलन एफ और मैंने कोई फलन एक दूसरे का इनवर्स होता है जब
दोनों को अगर एच उसका कंपोजिट फलन अगर निकालें, कंपोजिट संयोग करें, तो वह फलन अगर तत्समक फलन हो जाए तो वह क्या होगा, उसका व्युत्क्रम होगा। तो हम लोग इसका और इसका फलन को एक कंपोजिट करेंगे, तो अगर तुमको ये तत्समक फलन आ गया जी ओ एफ और ओ, जी ओ एफ और ओ, एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स, अगर तत्समक फलन होता है तो इसका मतलब और इसका उल्टा भी, तो ये क्या हो जाएगा, तुम्हें तत्समक फलन होगा तो ये तुम्हारा क्या कहते हैं, इसका मतलब कि ये इसका इन्वर्स है, तो ये इसका इन्वर्स। आगे बढ़ते हैं, अभी हमने देखा इस प्रमेय में कि ब्रैकेट को इधर करें या इधर करें कोई अंतर नहीं पड़ता, तो हम इस ब्रैकेट को इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं। तो कहने का मतलब, कहना चाह रहे हैं जी ओ और इसको जो है इस को इन दोनों को एक ब्रैकेट में हम लोग लिख लेते हैं एफ ओ एफ इनवर्स। एफ ओ क्या लेते हैं हम लोग, एफ ओ एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स, और एफ ओ एफ इनवर्स कितना होता है, ये आई होता है, तो दैट्स इक्वल टू जी ओ आई ओ जी इनवर्स। तो जी ओ जी, तो आई का मतलब आइडेंटिटी फंक्शन हो गया, ये तत्समक फलन हो गया ये, तो जी ओ जी इनवर्स ये कितना बराबर हो गया तुमको, फिर आई हो गया तत्समक फलन हो गया ये, तो मतलब कि जी ओ जी इनवर्स बराबर आई आ गया तुम्हें। और इसी प्रकार हम लोग प्रूव कर सकते हैं जी इनवर्स एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स ओ जी ओ एफ बराबर आई। इसलिए यह क्या हो गया तुम्हारा, इसका अतः ये इसका व्युत्क्रम है, अतः जी ओ एफ का इनवर्स बराबर क्या हो गया, एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स, ये प्रूव हो गया, ये तुम्हारा हो गया, ये प्रूव हो गया। तो इसको प्रूव किया जा सकता है, इसका प्रमेय वन हुआ, ये प्रमेय टू हो गया तुम्हारा, दोनों को ये प्रूव कर दिया गया, दो प्रमेय तुमको दिया हुआ था इसमें। और जितना भी तुमको क्वेश्चन है 1.3 जो एक्सरसाइज है, इसके बाद तुमको इसका जो उदाहरण और एक्सरसाइज इसको बना सकते हो। तो इस इतना लेक्चर से मुझे उम्मीद है कि तुमको क्वेश्चन बन जाना चाहिए। जिस क्वेश्चन में बनाने में तुमको दिक्कत हो, 1.1, 1.2, 1.3 किसी में भी अगर दिक्कत होता है, राइट शुक्ला ऐप के माध्यम से प्लीज़ उसको प्ले स्टोर में से डाउनलोड करो, और उसमें हमारा जो है व्हाट्सएप नंबर या तुमको फ़ोन नंबर ये सब दिया हुआ है, तुम उससे हमसे संपर्क कर सकते हो। और जहां भी दिक्कत हो, फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ किसी भी चीज़ में, इंजीनियरिंग या मेडिकल की तैयारी करना चाहते हो, तो उसके लिए तुम हमसे संपर्क उस ऐप के माध्यम से राइट शुक्ला ऐप को प्ले स्टोर डाउनलोड करके हमें संपर्क कर सकते हो। इसी साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।